सागर में ट्रक मालिकों और ऑपरेटर्स के संगठन ने सागर में पीएम के नाम एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। ज्ञापन में संगठन के पदाधिकारियों ने आरटीओ चेकपोस्ट पर ट्रकों से अवैध वसूली करने के गंभीर आरोप लगाए। संगठन के पदाधिकारी जिस भी जिले में अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट हैं वहां पर जाकर इस प्रकार के ज्ञापन दे रहे हैं। संगठन के लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि मध्यप्रदेश के चेक पोस्ट पर अवैध वसूली से ट्रक मालिक त्रस्त हो चुके हैं। उन्होंने परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत के भोपाल कार्यालय में भी आवेदन दिया जिसका कोई परिणाम नहीं निकला और वसूली बदस्तूर जारी है। हम एक ज्ञापन सर पूरे मध्य प्रदेश में दे रहे हैं। आज हमारे ट्रक चालक मालक के साथ में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है और हिंदुस्तान का नहीं पूरे वर्ल्ड का अगर बोला जाए तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है परिवहन विभाग में, जो खुलेआम रिश्वतखोरी ली जा रही है, खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसकी शिकायत हमने करीब करीब सभी अधिकारियों को प्रधानमंत्री छोड़ के सबको दे चुका हूँ और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलने की हमारी तैयारी है। अभी हमने जो मुहिम छोड़ी हमारे पूरे प्रदेश का यूपी से भी हैं, बिहार से भी हैं, एमपी से, महाराष्ट्र से, हर प्रदेश के लोगों को हमने जोड़ा और जोड़ के यहाँ तक आया कि एमपी में एक एक जिला अधिकारी को, एसपी को, कलेक्टर को, ट्रांसपोर्ट ऑफिस में, और इसके बाद हम ग्वालियर में देंगे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को। वहीं परिवहन विभाग के अधिकारियों से जब इन आरोपों के विषय में जवाब मांगा तो मालथोन चेकपोस्ट प्रभारी का कहना है कि उनके यहां सब नियम से चल रहा है, ये संगठन के लोग इस प्रकार के ज्ञापन देकर दबाव बनाना चाहते हैं। ये सभी मिथ्या आरोप है और निराधार हैं। जो भी आरोप लगाए सब झूठे हैं। संघ ने जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल निराधार हैं, इसलिए कि ये अभी इनका जो संगठन बनाया है ये जो अवैध रूप से संचालित वाहनों पर कार्रवाई हमारे द्वारा की जाती है उसको रोकने के लिए एक दबाव बनाने की कोशिश है, इसलिए आरोप लगा है। भले ही परिवहन विभाग के अधिकारी खुद को दूध का धुला बता रहे हों लेकिन एक वायरल वीडियो ने इनकी कलाई खोल दी। इस वायरल वीडियो में एक ट्रक वाला परिवहन विभाग पर मारपीट करने और कागज छीनने का आरोप लगा रहा है। वैसे हम आपको बता दें सागर परिवहन विभाग पर ये आरोप नए नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरवान न्यूज, सागर।